पूरा जो कोण बनता है वो तो 360 का बनता है, और आपको बहुत अच्छे से पता है कि उस वक्त पूरी परिधि जो है वो 2πr है। लेकिन मान लो मुझे पूरी परिधि नहीं चाहिए, मुझे ये पता करना है कि जब कोण 60 डिग्री का बन रहा है तो यहाँ पर परिधि का कितना हिस्सा मुझे मिला, कितने सेंटीमीटर मिला, जिसे कि हम चाप कहते हैं। क्या आपको दोनों सब्जेक्ट में काम आएगा, मैथ्स में भी और फिजिक्स में भी। फिजिक्स में बहुत सारे डेरिवेशंस हैं जिसमें इस तरीके की चीजों को आप इस्तेमाल करते। तो बच्चों जब हम एक सूत्र पढ़ते हैं कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, तो उस वक्त ये कोण हम अंश में नहीं, हमेशा नीचे याद करते समय ही ये ध्यान रखो कि कोण हमेशा यहाँ पर रेडियन में लिया जाता है। बस तो यहाँ आपकी ट्रिग्नोमेट्री की जो फर्स्ट एक्सरसाइज है जिसमें कि कोण और चाप में संबंध है, त्रिज्या में संबंध है, उसमें भी इसका बहुत उपयोग हुआ है। कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, लेकिन कोण लेना कहाँ पर है, हमेशा रेडियन। ठीक है, यहाँ पर अब हम त्रिकोणमिति फलन की जब बात कर रहे हैं तो त्रिकोणमिति फलन के आपस जो एडवांस फॉर्मूला है पहले हम वो देख लेते हैं कि उससे क्या क्या हो सकता है। यदि आपने फॉर्मूले को बहुत अच्छे से करना सीख लिया तो बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस तो आपसे बन जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ हम देखते हैं, केवल आज हम मुख्य बिंदुओं पर बात कर रहे हैं इसलिए हम डायरेक्ट फॉर्मूले पर आ जाए कि हमारे पास एक साइन ए प्लस बी, साइन एक्स तो आप जानते हो, साइन वाई भी जानते हो, लेकिन मान लो यहाँ पर यदि पहले किसी रेखा ने ए कोण बनाया और आगे चल के बी कोण और बना लिया, तो अब हमारे पास जो ट्रायंगल है वो इस तरीके का होगा और साइन ए प्लस बी कोण की हमें बात करना है। ठीक है, तो साइन ए प्लस बी क्या है ना, साइन ए आप परिचित हैं, साइन ए यानी या साइन एक्स ए कि हम लंब बटे कर्ण होता है, कॉस से परिचित हैं कि वो आधार बटे कर्ण होता है, टेन से भी परिचित हैं, लेकिन यदि दो कोण जुड़ रहे हैं या दो कोण आपस में हटाए जा रहे हैं तो चाहे वो साइन हो, चाहे कॉस हो, चाहे टेन हो, वो क्या होगा ये हमें सोचना। ठीक, तो इससे पहले हम थोड़ी सी बात और कर ले कि ए प्लस बी हम जोड़ने की कोशिश क्यों कर रहे हैं, हम क्या चाहते हैं। तो बच्चों पिछली कक्षा में आपने एक छोटा जब साइन थीटा की वैल्यू देखी थी 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री पे, तो आपको पता है साइन 0 0, साइन 31/2, ये इतना, √3/2 और ये होता है। तो हमारे दिमाग में ये आ रहा है कि चलो भाई 90 से यदि बड़ी होगी तो हम क्या करेंगे, सोचने वाली बात। तो हो सकता है a प्लस बी जानने से या और दूसरे सूत्र जानने से हमारा वो काम बन जाए। ठीक है, तो हम देखते हैं कि हम क्या चीज यहाँ पर पहले देखें। सबसे पहली चीज है अक्ष, सभी बच्चे इस बात से परिचित हैं कि ये सारा पॉजिटिव है, 1 2 3 4 5 6 धनात्मक है ये, और इस तरफ यदि हम जा रहे हैं तो ये हमारा ऋणात्मक है, यदि हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो ये हमारा पॉजिटिव और नीचे हम जाते हैं तो ये हमारा सारा ये नेगेटिव। यहाँ पर यदि हम ए और बी ये निर्देशांक लेते हैं तो दोनों धन धन हैं, यानी ए भी धनात्मक है और बी भी धनात्मक है। बहुत ध्यान से देखिए इसको, इधर आएंगे तो ए हमारा ऋणात्मक है लेकिन बी धनात्मक है। जब हम इस खंड में आते हैं तो ये हमारे दोनों ऋणात्मक है और इस खंड में पहला धनात्मक और दूसरा कैसा है, ऋणात्मक।
अब ये पूरा के पूरा जो निर्देशांक अक्ष है वो यहाँ चार टुकड़ों में बट गया, तो चार टुकड़ों को क्या बोलेंगे, चौथा हिस्सा यानी चतुर्थांश। तो ये पहला चतुर्थांश है, फर्स्ट, पहला चतुर्थांश, ये दूसरा चतुर्थांश, ये तीसरा चतुर्थांश और ये है आपका चौथा। बहुत अच्छे से क्लियर है, थोड़ा हाथ खड़े करके बता दीजिए कि ये क्लियर है चारों। वेरी गुड, पहला दूसरा तीसरा चौथा, और ये बिल्कुल नई बात नहीं है, मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो तो इसमें दोनों पॉजिटिव रहेंगे, धनात्मक। इसमें एक्स तो ऋणात्मक हो जाएगा लेकिन वाई धनात्मक है, और यहाँ दोनों ऋणात्मक और ये एक पहला धनात्मक दूसरा ऋणात्मक। इससे एक चीज एकदम क्लियर हो गई कि यदि मैं यहाँ पर एक त्रिभुज बना दूँ, देखो बच्चों मैंने यहाँ पर एक ट्रायंगल बनाया, ठीक। अब इस ट्रायंगल में ये तो है आधार, ये है आधार, ये आपका है लंब और ये है कोण, ठीक है। तो यहाँ पर हम धनात्मक की तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ आधार धनात्मक है और लंब भी धनात्मक है, और दोनों धनात्मक है तो पाइथागोरस लगाएंगे, कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, तो हम कर्ण निकाल भी सकते हैं और दोनों पॉजिटिव है, इसलिए कर्ण भी हमारा हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि वर्ग की बात करें तो नेगेटिव होगा तब भी वो वर्ग होके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ आप यदि बात करेंगे और मान लो उदाहरण के लिए मैंने साइन लिया, तो ये धनात्मक है और कर्ण भी धनात्मक है, इसलिए ऊपर भी धन और नीचे भी धन, तो मेरा साइन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। बिल्कुल इसी तरीके से यदि मैं कॉस थीटा की बात करूं, आपको आधार ए लेना है तो आप ए ले लो और लंब बी लेना है तो आप बी ले लो, तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि लंब जो था बी वो पॉजिटिव और कर्ण को मैं एच ले लेती हूँ तो एच भी पॉजिटिव, इसलिए पॉजिटिव। सेम बात कॉस थीटा की बात की, आधार धनात्मक है कर्ण धनात्मक है, तो दोनों धन बटे धन, तो हमारे पास ये भी पॉजिटिव आ जाएगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बात आपको समझ में आ गई कि सारे ही धनात्मक है तो हम ज्यादा चर्चा क्यों करें, है ना। साइन धनात्मक कॉस, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ ऑल पॉजिटिव। एक अभी हम पेयर बनाएंगे उसमें और आपको अच्छे से बताएंगे, ऑल पॉजिटिव सब धनात्मक। अब हम आते हैं इस पर, इसमें मुझे सोचना पड़ रहा है कि क्या धनात्मक होगा और क्या ऋणात्मक। तो बच्चों यहाँ पर देखो आधार आपको क्या लग रहा है, हम लिख लेते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट की जब बात करेंगे, तो यहाँ पर आधार जो है वो ऋणात्मक है और हमारा जो लंब है यहाँ, ठीक है, यदि मैं इस तरीके से कोण बना रही हूँ थीटा, तो आधार तो ऋणात्मक है और पॉजिटिव दिख रही है, तो लंब कैसा है, धनात्मक है, कर्ण को हम धन ले ही रहे हैं। तो यहाँ पर आप मुझे बताएं कि क्या ऋणात्मक हो जाएगा, यदि साइन थीटा में लेती हूँ तो लंब बटे कर्ण है, ये भी धन है और ये भी धन है, तो साइन पॉजिटिव होगा। कॉस थीटा की बात हम करें तो आधार ऋणात्मक है और होता है आधार बटे कर्ण, लेकिन ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। टेन की बात यदि हम करें तो लंब बटे आधार, लंब भले धनात्मक है लेकिन आधार ऋणात्मक है, इसलिए टेन भी नेगेटिव। हम तीन देखने के बाद बाकी के इनके रेसिप्रोकल इन्हें उल्टे हैं, जैसे साइन धनात्मक है तो कोसेक जो होता है वो क्या होता है, एक बटे साइन होता है, तो ये तो डिपेंड करता है कि साइन कैसा होगा, जैसा साइन होगा वैसे ही कोसेक होगा। ऐसे ही कॉस का रेसिप्रोकल है सेक, तो जैसा कॉस होगा उसका उल्टा है, रेसिप्रोकल है, इसलिए सेक के चिन्ह भी वैसे लगेंगे।
तो इस क्वाड्रेंट में मैं देख रही हूँ कि केवल साइन पॉजिटिव है, उसके अलावा सब साइन के का रेसिप्रोकल यानी कि मैडम साउंड नहीं आ रहा इधर। हेलो आवाज, ओके मैडम। अब यदि हम चौथे क्वाड्रेंट की बात करें तो चौथे में हम देख रहे हैं कि ए और ये बी, इसको हम आधार कह रहे हैं जो कि धनात्मक है, और यहाँ हम नीचे जा रहे हैं वाई अक्ष में, यानी बी हमारा जो लंब बनेगा वो नेगेटिव बनेगा। तो यहाँ पर एक आइडिया ये मिल गया कि जो नेगेटिव होता है उससे रिलेटेड जितनी निष्पत्तियां हैं वो ऋणात्मक हो जाएंगी, और जो पॉजिटिव है उससे रिलेटेड जो बनेंगी वो धनात्मक रहेंगी, और यदि दोनों निष्पत्तियां जो दोनों चीजें हैं नेगेटिव होंगी तो नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा और वो निष्पत्ति खुद ब खुद कैसी हो जाएगी, धनात्मक हो जाएगी। यहाँ आधार धनात्मक है तो हमको क्या समझ में आ रहा है कि कॉज जो है वो आधार बटे कर्ण होता है, इसलिए वो पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन साइन जो है लंब बटे कर्ण होता है, तो क्योंकि यहाँ लंब ऋणात्मक हो गया इसलिए हमारा साइन नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। और लंब बटे आधार की यदि हम बात करें टेन थीटा की, तो एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव है तो टेन भी नेगेटिव होगा। तो फाइनली जो हमने देखा वो ये देखा कि पहले क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सभी धनात्मक, यहाँ पर साइन धनात्मक तो उसका रेसिप्रोकल आप अपने मन में रखो, यहाँ पर कॉस धनात्मक, सॉरी यहाँ पर टेन धनात्मक और यहाँ पर कॉस धनात्मक, बाकी सब नेगेटिव। तो यहाँ पर हम लोग ऑल सिल्वर टी कप, और बच्चे अपने मन से जो गाना बनाना है वैसा भी कर सकते हैं। तो यहाँ सब धनात्मक फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड में साइन, थर्ड में टेन और फोर्थ में कॉस। इससे क्या फायदा हुआ यदि हमने ये जाना, तो हम आपको बताते हैं। 90 माइनस कहाँ आने वाला है,
90 है, ठीक है। बीच में ये जो माइक आपने चालू किया ये बंद कर दीजिए, थोड़ा डिस्टरबेंस हो रहा है। हेलो। हाँ जी। हेलो। हाँ नमस्ते सीमा मैडम। नमस्ते। नमस्ते सर। हाँ, एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर है, यहाँ देखिए खंडवा। जी सर। खंडवा में जो भी छात्र बैठे हुए हैं वो तो बहुत पीछे जाकर बैठ रहे हैं, उनको सभी को कहा जाए कि वो आगे आकर बैठे, इतने पीछे से विजिबिलिटी नहीं रहती है। जी सर। और संबंधित जो फैसिलिटेटर हैं उनको भी बुलाया जाए तत्काल, जो वहाँ मैथ्स के टीचर हैं खंडवा में उनको बुलाया जाए तत्काल। खंडवा इसी प्रकार से माधव नगर कटनी, इनके भी जो फैसिलिटेटर है वो माइक ऑन करे जरा अपना, माइक ऑन करे जरा। कटनी माइक ऑन कर लीजिए। कटनी। यस सर। हाँ बोले सर। आपकी आवाज नहीं आ रही है, क्यों नहीं आ रही आवाज आपकी? हेलो। पहले आपको निर्देश दिया गया है कि चैट माइक वहाँ रखा हुआ है आगे, उस चैट माइक का उपयोग करिए। चैट माइक ज्यादातर खराब हो जाते हैं, आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है। अभी टेस्टिंग कर, इसको चेक करिए वहाँ पर हेडक्वार्टर पर जरा। सर अभी आवाज आ रही है कटने की, आप थोड़ा आगे आके बोलिए सर, आवाज आ रही है। हाँ सर, कटनी माधव नगर सर। कल भी ये वाली बात मैंने कहा था आप सभी विद्यार्थियों को कि आपको जो भी चीजें पूछना हो कटनी सर, नीचे चैट विंडो दी हुई है राइट साइड में, उस चैट विंडो पर जाकर आप उसमें क्वेश्चन को टाइप कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अभी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी तो कुछ लोगों ने उसमें लिखा है सर साउंड नहीं आ रहा है, सर आवाज नहीं आ रही है, इस प्रकार से चैट माइक का उपयोग कर सकते हैं बगैर डिस्टर्ब किए हुए। तो जो भी यहाँ से स्पीकर हैं आपको जो पढ़ा रहे हैं वो उस चीज को नोट कर लेंगे और बोलते समय उसमें उत्तर देंगे। जो भी फैसिलिटेटर है कटनी में कृपया आप बीच में बैठे जिससे दिखते रहे हमको, और विद्यार्थियों को देख के वो अटेंटिव रहे और उनके प्रश्नों को उसमें नोट करें। खंडवा में अभी भी मैं ये देख रहा हूँ सबसे पीछे वाली रो में जाकर बैठे हुए हैं तीन बच्चे, इनको आगे बुलाइए सबसे आगे। खंडवा इतना पीछे बैठ के जाने की क्या जरूरत है, जब तक आगे की चेयर्स पूरी ना भर जाएं पीछे बैठने की आवश्यकता नहीं है, उठिए वहां पीछे से जल्दी से। खंडवा, ये खंडवा में पीछे वाले बच्चे आ जाएं आगे। खंडवा में जो लास्ट तीन रो में लास्ट में बैठे तीनों बच्चे आगे उठकर आइए। चलिए खंडवा, खंडवा में आप, आपके कोई टीचर नहीं है क्या वहाँ पे, आप बुलाइए जरा टीचर को वहाँ पे। हाँ, ये जो खड़े हुए बच्चे आ जाए। आपके सब्जेक्ट टीचर वहाँ पे है क्या अवेलेबल, उनको वो लाइट ऑन रखे उसमें जिससे कि दिखते रहे लोग। और हर जगह पर जिस सब्जेक्ट की क्लास हो रही है यथासंभव उसके टीचर का होना आवश्यक है। इस पूरी उसके बाद में हम सभी प्राचार्यों से बात करने का प्रयास करेंगे, इन चीजों को देखें और आगे वाली सीट सभी भरी होना चाहिए। ठीक है, मैम आप शुरू करें अपना, है ना। और ये एक बात का मेरा अनुरोध है आपसे कि आप जो भी टर्म्स बता रहे हैं टेक्निकल टर्म्स उनको अंग्रेजी में भी बता दें। तो कई बार जैसे वो चतुर्थांश है तो कुछ बच्चे हो सकता है इसमें इंग्लिश मीडियम के हों तो वो क्वाड्रेंट जो वर्ड होगा ना वो उनके लिए यूज हो जाएगा, है ना। तो सभी लोगों को फिर इंटरेस्ट उसमें आने लगेगा। बहुत अच्छा बताया जा रहा है, इसमें आप देख रहे हैं ये बेसिक्स आप लोगों को कई बार आगे क्लियर नहीं रहती है तो आगे की जितनी भी आपकी डेरिवेशन होती है उनमें गलती करते हैं कि कब नेगेटिव होगा कब पॉजिटिव होगा, ये सभी चीजें आपको एक बार समझ लेना है चीजों को, और इसमें से फिर आप
अगले उसमें इसमें भी क्वेश्चन कर सकते हैं और आगे भी क्वेश्चन कर सकते हैं। आपको प्रश्न करना हो तो चैट माइक पर अपना वो दें, वहां से मैसेज या प्रश्न करना चाहते हैं, और वहां से फिर ये आपको लाइन पर लिया जाएगा और आपके प्रश्न को उत्तर दिया जाएगा। ठीक है मैम, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा चल रहा है। तो बच्चों ये याद करने का एक तरीका जो है, हम लोग देख रहे थे कि यहाँ पर ऑल सिल्वर टी कप ऐसे करके हम लोग याद रख लेते हैं कि यहाँ सभी धनात्मक होगा, यहाँ पर हमारा साइन और उसका रेसिप्रोकल या विक्रम कोसेक है वो धनात्मक होगा, और उसके अलावा सारे ऋणात्मक, हमने सिर्फ धनात्मक को याद कर लिए तो हमें खुद समझ में आ जाएगा कि इसको छोड़ के बाकी सब नेगेटिव होना। ठीक है, और एक बात और देख लीजिए, ये जो चार मैंने बनाए हैं ये चतुर्थांश, इसको इंग्लिश में हम क्वाड्रेंट कहते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, क्या फायदा है ये साइन ये सारा बताने से, क्या फायदा होने वाला है वो आप देखिए। यदि यहाँ पर मैंने 90 माइनस थीटा लिया तो बहुत अच्छी तरीके से पता चल रहा है कि ये कोण 90 है, और जब हम इससे कम लेंगे तो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही जाएंगे, और क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव लिखा है तो अब हमको कोई फॉर्मूला याद नहीं करना है। हम फटाफट ये बता सकते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा जो है वो पॉजिटिव ही होगा कॉस। अभी मैं आपको ये भी बताऊंगी कि साइन का कॉस टू, लेकिन अभी ये देखिए कि 90 माइनस थीटा से जब भी हम चेंज करेंगे तो ये सब पॉजिटिव होना, एक भी नेगेटिव नहीं आएगा। ठीक है, ठीक है, आवाज ठीक हो, यहाँ देखिए आप, यहाँ यदि हम आते हैं तो क्या क्या हो सकता है, 90 से जैसे खड़े तो 90 माइनस थीटा, और चूंकि ये पूरा 180 है तो 180 से कम जैसे ही हमने किया तो 180 माइनस थीटा। ये दो तरीके से हमारे पास जब निष्पत्ति आएंगी, कौन कौन सी, 180 ऋण थीटा वाली और 90 प्लस थीटा वाली, ये दोनों निष्पत्तियां जो हैं, जब भी हम इसको चेंज करेंगे कन्वर्ट करेंगे तो हमें ये बात पता चल गई कि ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है, और सेकेंड में केवल साइन और उसका रेसिप्रोकल कोसेक, ये दो चीजें धनात्मक होती है और बाकी सब ऋणात्मक होती है, तो हमें चिन्हों की टेंशन यहाँ पर नहीं होगी कि कब क्या होगा। ठीक है, अभी आपको चार्ट से बताया जाएगा, तब भी हम इसको फिर से रिपीट करेंगे। यहाँ 10 है, कौन कौन सी हो सकती है, तो 180 प्लस 180 में ये पूरी लाइन है, जैसे आप 180 से आगे बढ़े तो यहाँ पर आप आ जाएंगे 180 प्लस थीटा। अब 180 प्लस थीटा में जो 10 थीटा है आपका, 10 वो पॉजिटिव होगा और उसका रेसिप्रोकल या व्युत्क्रम 1/10 यानी कॉट, ये दो धनात्मक होंगे बाकी सारे नेगेटिव। यहाँ पर इसके अलावा बच्चों यदि 270 का आप सीखना चाहें, याद करना चाहें तो बहुत अच्छा है, नहीं तो इतने से हमारा काम चल जाता है। यहाँ 270 माइनस थीटा भी होगा क्योंकि 90 90 90 270 से कम। यहाँ जब हम आते हैं तो हमारा 360 माइनस थीटा या 270 थीटा या हमें इस ट्रायंगल से मिलेंगी, और यहाँ पर केवल कॉस और उसका रेसिप्रोकल यानी सेक ये धनात्मक होंगे, उसके अलावा सब नेगेटिव। तो जल्दी से हम लोग एक टेबल बना लेते हैं, उस टेबल में देखते हैं कि कब कौन कौन जो है वो धनात्मक होगा और ऋणात्मक कब होगा या क्या कन्वर्ट होगा। तो साइन कॉस और टेन की हम बात कर लेते हैं और बाकी सब इसके ही जैसे होंगे। तो यहाँ हम देखते हैं यदि हम 90 माइनस थीटा की बात करें, तो बच्चों एक चीज और आप देख लो, 10th क्लास का ये रिपीटिशन है, ये यदि कोण थीटा है तो ये आधार है और ये लंब है,
और यहाँ पर यदि 90 डिग्री है तो त्रिभुज के 180 अंश होता है, इसलिए ये बचा हुआ कोण 90 माइनस थीटा होगा। हम उसको पूरा हल करके भी निकाल सकते, माना ये x है, ठीक है, एक 90 है, एक हमारे पास थीटा है, तीनों कोणों का योग 180 है, तो हमने जब ट्रांसफर किया तो ये इस तरीके से आ गया और ये 90 माइनस थीटा हमें मिला। ठीक, अब क्या होता है कि यदि यहाँ पर ए बी सी मैंने लिखा और साइन थीटा की मैं बात करूं तो लंब बटे कर्ण, ठीक है, लंब बटे कर्ण, तो लंब मेरा क्या है, ए सी बटे बी सी। मैं देखती हूँ कि कॉस ये वाले कोण की बात कर रही हूं मैं, 90 माइनस थीटा। बच्चों जहां कोण बनता है वहां के सामने वाले को हम लंब कहते हैं ना, जहां कोण बनता है। यदि मैं इसकी बात कर रही हूं तो मेरा आधार लंब हो जाएगा और ये जो लंब है वो आधार मानूंगी। तो मैं यदि cos 90 माइनस थीटा की बात करें तो उस वक्त आधार क्या होगा, ये होगा, यानी आधार होगा AC और कर्ण होगा BC। तो जरा देखो sin थीटा में भी AC बटा BC आ रहा है और cos 90 माइनस थीटा में भी AC बटा BC आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि sin 90 माइनस थीटा, यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ कि cos 90 माइनस थीटा किसके बराबर है, sin थीटा के बराबर। उल्टा भी बोल सकते हैं, sin 90 माइनस थीटा cos थीटा के बराबर। क्यों? क्योंकि लंब और आधार थीटा और 90 माइनस थीटा के केस में क्या हो रहे हैं, अलग अलग जगहों पर कोण बनने से लंब और आधार आपस में बदल रहे हैं। ठीक है, तो जब tan की बात करोगे तो क्या होगा, जो लंब है वो आधार हो गया, जो आधार है वो लंब हो गया, तो tan 90 माइनस थीटा cot थीटा हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ हम अब अपना टेबल पूरा करें, 90 माइनस थीटा और 90 प्लस थीटा। मैंने आपको है क्योंकि कोण बदल गए, तो साइन का cos और यहाँ पर भी cos, cos का साइन हो जाएगा, tan का cot हो गया और cot, ठीक है, cot का tan हो जाएगा। ठीक, यदि हम अभी पूरा नहीं हुआ है ये, इसलिए अभी चिन्हों की हम बात बात बता रहे हैं आपको। फिर 180 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा, इतने पर हम बात करेंगे आज। 180 माइनस थीटा के केस में कोण नहीं बदल रहा है, इसलिए साइन ज्यों का त्यों रहेगा और 360 के केस में भी यही रहेगा, कॉस कॉस ही रहता है और टेन टेन ही रहता है। ठीक है, बाकी की जो साइन की बात हुई, हम फिर से ये आपसे यहाँ ऑल सिल्वर टी कप, जब 90 माइनस था सारे पॉजिटिव, तो मैं 90 माइनस वाले में सब पॉजिटिव लगा देती हूँ। दिख रहा है, पॉजिटिव 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 और नीचे भी जो आएंगे कॉट सेक और कोसेक, वो सारे पॉजिटिव। ठीक है, चलिए आगे देखिए, 90 प्लस कहाँ था, जहां था ऑल सिल्वर टी कप के हिसाब से वहां साइन पॉजिटिव था। ठीक है, तो मैं 90 प्लस और 180 माइनस, इन दोनों में साइन की रो में जो लिखा है उसको मैं पॉजिटिव कर देती हूँ। ठीक है, तो कोसेक वाले में भी कोसेक का यहाँ सेक लिख देते हैं और सेक का बदले थे और बाकी के ज्यों के त्यों थे, तो cot sec cosec। 90 प्लस और 180 माइनस में क्या था, केवल साइन पॉजिटिव था, तो मैंने साइन वाले के साथ जितने हैं वो पॉजिटिव लगा दिए और यहाँ cosec भी साइन के जैसा होता है तो वो पॉजिटिव लगाया और बिल्कुल बिना सोचे समझे बाकी सब को हम नेगेटिव कर। ठीक है, अब आते हैं हम कि 180 प्लस में क्या होगा। तो एक तो ये तय हो गया कि साइन का जिसका जो है वो ही रहता है, साइन का साइन है, लेकिन बात आती है कि हम चिन्ह क्या लें। तो देखो बच्चों,
180 प्लस में हम पूरे यहाँ से कहाँ आ गए, 180 धन थर्ड क्वाड्रेंट। तो तीसरे में ऑल सिल्वर टी, टी मीन्स 10, 10 पॉजिटिव, तो 10 के साथ क्वाट भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये दो पॉजिटिव, उसके अलावा मुझे बिना सोचे समझे यहाँ पर मैंने सारे नेगेटिव। इसके बाद हम कहाँ आते हैं, चौथे में 360 माइनस। तो चौथे में क्या था, कॉस पॉजिटिव, ऑल सिल्वर टी कप कॉस पॉजिटिव है, तो हम कॉस को पॉजिटिव करें, कॉस के साथ सेक को पॉजिटिव करें और उसके अलावा हम सब को नेगेटिव करें। तो ये आपकी टेबल जो तैयार हो गई है, इसको बहुत अच्छी तरीके से बार बार बनाने की यदि आपने प्रैक्टिस कर ली तो कोई निष्पत्ति, कोई भी कोण इसी वजह से आपसे गलत हो जाता है कि हम साइन को कॉस लिख रहे हैं, कॉस को साइन या चिन्ह में गड़बड़ कर रहे हैं, तो यहाँ से आपकी ये गलतियां बिल्कुल नहीं है। तो इसका क्या यूज था बच्चों, मुझे साइन 120 डिग्री का मान निकालना है। तो साइन 120 में 90 तक का तो मुझे सारा पता है, तो मैं 90 प्लस 30 को लिख लूं। और अब अपनी ये टेबल उठाऊंगी, इसमें साइन 30 को मैं थोड़ी देर के लिए थीटा सोच के चलती हूँ, 90 धन 30, तो साइन की टेबल में 90 धन 30 यानी 90 धन थीटा, साइन की टेबल में 90 प्लस थीटा प्लस कॉस थीटा होता है, तो प्लस कॉस थीटा की जगह है 30 डिग्री और मुझे बहुत अच्छे से कॉस 30 का मान पता था। कितना है कॉस 30 का मान आपको मालूम है ना, अंडर रूट 3/3। और ये भी बहुत सारे बच्चों को 10th क्लास से यदि नहीं मालूम है तो वो 0, 1, 2, 3, 4 बना के 4 से भाग देके जो हम निकालते हैं उससे भी आप अंडर रूट 3/2 ज्ञात। हालांकि 10th क्लास में बहुत अच्छी तरीके से ट्रायंगल्स बना के वैल्यूज निकालने का आपने प्रैक्टिस की ही हो, ठीक। अब यहाँ पर cos 30 डिग्री हमने निकाला, एक आध दो एग्जांपल और देख लेते हैं। मान लो आपको tan 240 का मान ज्ञात, तो tan 240 मुझे 180 तक यहाँ पर यदि मैं हटा दूं तो ये निष्पत्ति भी मेरे पास है और ढेर सारी है, 90 प्लस है, लेकिन मैक्सिमम जहां तक जा सकती तो इसके सबसे करीब वाली जो चीज हमें पता चल रही कि tan 180 प्लस थीटा वो हमने यहाँ लिखा। अब tan 180 प्लस थीटा को देखना पड़ेगा कि वो क्या होता है, tan और 180 प्लस ये वाला आ गया आपका, तो tan में 180 प्लस में प्लस tan थीटा, तो हम यहाँ पर लिख देंगे प्लस tan ये 60 डिग्री, तो कितना हो जाएगा tan 60 अंडर रूट। ये आपने अब सारी वैल्यूज जितने भी हैं वो निकाल सकते हैं। बाई चांस ऐसा हो सकता है कि आपको 120 ना देके ऐसा दे 2π/3। तो बच्चों साइन 2/3 और पाई का मान 180 आप यही रख लेना और उसको आपने काटा तो अब ये 120 आया, आप कर लो आप, ठीक है। तो चाहे इस रूप में पूछे चाहे इस रूप में पूछे, इस तरीके के सारे मान आप ज्ञात कर सकते। अब हम आते हैं साइन ए प्लस बी पर। ये जो आपका योग का सूत्र कहलाता है ये है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन। तो यहां पर यदि हम बी की जगह पे रिप्लेस कर दें माइनस बी तो क्या होगा, यहां हो जाएगा साइन ए माइनस बी और यहां हो जाएगा साइन ए, यहां हो जाएगा कॉस माइनस बी और यहां हो जाएगा कॉस ए और साइन माइनस बी। जो टेबल हमने पढ़ी है
यहाँ से उसका यूज शुरू हो गया। देखो बच्चों, अब आपको माइनस भी नहीं दिख रहा है, लेकिन ये निष्पत्ति थीटा 360 माइनस थीटा या माइनस थीटा दोनों के लिए हो। तो साइन माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा ही रहता है, टेन माइनस थीटा माइनस टेन थीटा होगा। तो इस प्रकार से इसको हम देखेंगे तो साइन ए कॉस में नेगेटिव भी हो तो भी वही का वही होता है, लेकिन साइन में भी नेगेटिव हो तो चिन्ह बदल जाता। तो ये मैंने यहाँ पर लगा दिया क्योंकि तो 11th क्लास के बच्चे, इसलिए हम डायरेक्ट चिन्हों को रख सकते कि यहाँ जो नेगेटिव आने वाला है वो इस पॉजिटिव को नेगेटिव कर देगा। ठीक, तो फॉर्मूला क्या बन गया, साइन ए माइनस बी बराबर साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अब इन दोनों से मैं आपको सिर्फ साइन का बता रही हूँ, तो आप कॉस के भी सूत्र बना सकते, ढेर सारे फॉर्मूले हम बनाएंगे। साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और साइन ए माइनस बी बराबर साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। इन दोनों को यदि हम जोड़ दें तो यहाँ देखो कॉस ए साइन बी कैंसिल, तो हमारे पास एक नया सूत्र आ गया, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी बराबर टू साइन ए कॉस बी। रटने की कोई जरूरत नहीं, यदि पूछा जाए टू साइन ए कॉस बी क्या होता है तो हमें यदि ये दो चीजें पता हैं तो हमने ये बना लिया। यदि हम इसको घटा देते तो हमारे पास एक और सूत्र आ जाता, ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस। बच्चों आप यहाँ ध्यान से देखो, यदि हम इसे घटाते तो यहाँ माइनस लगाते और ये प्लस हो जाता, तब ये कट जाता और ये दोनों जोड़ जाते, तो यहाँ पर हमारे पास प्राप्त हो जाता टू कॉस ए साइन, जो कट रहा है वो जुड़ता और जो जुड़ गया है वो कट जाता क्योंकि हम घटा रहे हैं। तो ये एक और सूत्र आपको मिला। ठीक, अब इसी में यदि हम a प्लस बी की जगह c रख दें और a माइनस बी की जगह d रख दें और इसको विलोपन विधि से हल करें तो ये दोनों काट दिए, a और a जुड़ के 2a हो गया, तो ये आपका c प्लस डी आ गया। फिर a इज इक्वल टू क्या बन गया, c प्लस डी बटे 2 हो गया। ठीक है, और यहीं पर यदि हमने a प्लस बी को c लिखा और a माइनस बी को जो d लिखा है इसमें यदि मैं घटा देती तो ये कट जाता और मेरे पास 2b का मान मिल जाता c माइनस डी बटा। तो ये इसलिए बताया जा रहा है, इसको आप घर में बहुत अच्छे से हल करके देखें कि सूत्र याद करना बहुत मुश्किल नहीं है, एक बार यदि हम इसको पूरा कैलकुलेट कर लेते हैं तो हम कभी नहीं भूल, कोई कंफ्यूजन नहीं होता हमें कि कहाँ साइन होगा और कहाँ कॉस होगा क्योंकि हमने इसको खुद करके देखा है। तो बच्चों यहाँ पर यदि मैं a प्लस बी की जगह c रख दूं और a माइनस बी की जगह d रख दूं तो देखो क्या बनता है, क्या था मेरा फॉर्मूला, मैं फिर से लिखती हूँ यहाँ पर, a माइनस बी बराबर टू साइन ए कॉस बी था। ठीक है, अब यहाँ पर a प्लस बी की जगह पे c, a माइनस बी की जगह पे d और a की जगह पे हल करके मैंने प्राप्त किया है ये और b की जगह पे ये, एक नया सूत्र बन गया आपके पास। साइन c, देखो जरा साइन c, फिर a माइनस बी की जगह पे d बराबर 2 साइन a की जगह पे क्या रखना है c प्लस डी बटे 2 और कॉस की जगह पे c माइनस डी बटा। ऐसे ही
साइन सी माइनस साइन डी बराबर टू कॉस सी प्लस डी बटे दो। ये आप इसको और घर में जाके हल करके दी, जब हमने घटाया था तो घटाने से हमें ये प्राप्त हुआ था। ठीक है, इससे ढेर सारे और फॉर्मूले हम बना सकते हैं। बच्चों यहाँ पर cos वाले से भी आप फॉर्मूले बताएं। cos a प्लस बी, a माइनस बी का है cos a, cos b माइनस साइन a साइन b, और cos a cos b प्लस साइन a साइन b। चलिए अब मुझे आप बताइए कि क्या cos a प्लस बी और cos a माइनस बी को आप जोड़ेंगे तो क्या फॉर्मूला बनेगा। कोई भी अपना माइक ऑन करके मेरे बात का जवाब दे। यहाँ पर cos a प्लस बी बराबर cos a cos b माइनस साइन a साइन, और जैसा मैंने ऊपर बताया वैसा आप बताओ, cos a माइनस बी बराबर cos a cos b। सिर्फ इसको जोड़ो, जोड़ के बताओ क्या आएगा। ये दो जो लिखे इसको जोड़ना है। यदि आपने समझा है तो आप बता पाओ। कोई भी, सिंपल सी बात है, ये बता दो कि कौन सा हिस्सा कट जाएगा और क्या जुड़ जाएगा। हाँ, अपना नाम भी बताइए बच्चे। तो टू कॉस ए कॉस बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बताओ, बताओ फिर से बताओ, मैंने नहीं सुना अच्छे से, फिर से बताओ। मैम जो माइनस का साइन है उसके नीचे प्लस का साइन है वो कट जाएंगे, तो जो उसके आगे वाले कॉस ए दिख रहा है और उसके नीचे का कॉस है तो टू कॉस हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है, ये दो हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉस ए ए प्लस बी इंटू कॉस ए ए माइनस बी। बहुत अच्छा, हटाएंगे तो हम एक फॉर्मूला बना सकते हैं, और सेम मैंने जैसे साइन के बनाए थे आप कॉस के पूरे सूत्र वैसे के वैसे बना सकते। ठीक है, चलिए और आगे बात करते हैं हम लोग। साइन ए प्लस बी जो था साइन ए और बी cos a sin b, और cos a plus b अभी आपने देखा cos a cos b minus sin a sin b। यदि हम b की जगह पर a रखते हैं तो b की जगह पे क्या दें a रख के देख लेते हैं। sin a plus a बराबर sin a cos a और cos a sin a, ये तो एक ही बात हुई ना, sin a cos a या cos a sin a एक ही बात हुई, दोनों जुड़ जाएंगे 2 sin a cos a हो जाएगा, और sin a plus a क्या हो जाएगा sin 2a, sin 2a बराबर 2 sin a into cos। ऐसे ही cos a plus b में यदि मैं b की जगह a रखूं तो हो जाएगा cos a plus a बराबर cos a minus sin a sin a। ठीक है, तो ये हो जाएगा cos 2a बराबर cos a गुणा है, गुणा है इसका मतलब cos square a minus sin a क्या हो जाएगा sin square a। ठीक है, और क्या कर सकते हैं, cos स्क्वायर को हम जानते हैं कि हम 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, तो माइनस साइन स्क्वायर ए यहां से हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। ठीक है, एक और फॉर्मूला हमारा बन गया। एक तो ये था कि भाई हम जान गए cos 2a बराबर cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, एक और बन गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। यदि मैं कॉस को ऐसा ही रहने देती
और साइन की जगह पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख दूं, तो कॉस 2a बराबर मेरा जो ओरिजिनल फॉर्मूला है वो ये रख देती हूँ, और कॉस को ज्यों का त्यों रखने देती हूँ मैं, साइन की जगह पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो कॉस 2a बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 और ये कॉस स्क्वायर ए हो गया, तो ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस, ये एक और फॉर्मूला आपको यहाँ से मिल गया। तो कॉस 2a के भी आपको 3 मिल गया, एक और भी है जो यहीं पे हम बना लेते हैं, कॉस 2a तो था आपका कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन, नीचे 1 लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और इस 1 को क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a लिखे, और पूरे में cos स्क्वायर से भाग दे, तो cos स्क्वायर से हम जैसे ही भाग देंगे तो यहाँ से तो cos गायब हो जाएगा, साइन स्क्वायर में cos से भाग दिया तो tan स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ से cos में cos का भाग दिया गायब यानी बंद हो गया, और साइन स्क्वायर बटे cos स्क्वायर आपका क्या आ जाएगा, tan स्क्वायर, एक और फॉर्मूला बन गया, तो कुल आपको 4 फॉर्मूले cos 2a के पता चल गए। अभी बच्चों अभी साइन का भी मैं आपको बता दूं, साइन 2a को क्या लिखा था, 2 साइन a इंटू cos a, इसमें भी यदि मैं नीचे 1 लगा दूं तो कोई दिक्कत नहीं, अब 1 को क्या लिख दूं मैं, 2 साइन a cos a बटे साइन स्क्वायर a प्लस cos a, और इसमें भी cos स्क्वायर a से यदि हम भाग देते हैं तो देखो क्या बनेगा, देखते हैं, साइन 2a बराबर 2 साइन a cos a बटे साइन स्क्वायर a, ये छोटी छोटी जो प्रैक्टिस है ये ही प्रैक्टिस से आपके जो क्वेश्चंस हैं वो भी आपसे बन जाएंगे, क्योंकि यहाँ आप ये दिमाग लगाना सीख रहे हैं कि मुझे किस चीज को किसमें कन्वर्ट करना है। मान लो मुझे इसे 10 में लाना है तो मैं क्या कर रही हूँ, कहीं 1 लिखा है तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए लगा देती हूँ, यदि मुझे 10 में कन्वर्ट करना है तो मुझे पता है कि 10 होता तो मैं गुणा वाले कॉस को कोशिश कर रही हूँ कि वो भाग में आ जाए, तो यहाँ पर भाग में कैसे आ रहा है, 2 साइन ए कॉस ए बटे कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए, कॉस से भाग दे दिया एक तो कट गया, तो ऊपर बचा साइन बटे कॉस यानी कि टेन ए साइन बटे कॉस टेन स्क्वायर ए प्लस यहाँ से कट किया जाएगा हम, तो ये सारी चीजें जो प्रैक्टिस आप करेंगे उसमें आपका पूरा ध्यान कहाँ होना चाहिए कि हमें क्या दिया है और हमसे क्या पूछ रहे हैं, है ना, जो पूछ रहे हैं हमारा पूरा डायरेक्शन वहां चला जाए कि हम क्या करें, कि हमें टेन चाहिए तो टेन मिल जाए, कॉट चाहिए तो कॉट मिल जाए, अब कॉट चाहिए तो मैं कभी भी ऐसा नहीं करूंगी कि कॉट से भाग दूंगी, मुझे पता है जब कॉट चाहिए तो नीचे साइन चाहिए, यदि साइन चाहिए तो नीचे साइन से ही भाग देने पर कॉट मिलेगा, यदि आपको कोसेक चाहिए है ना तो क्या करो, नीचे साइन लाओगे तभी तो कोसेक मिलेगा, तो ये सारी अप्रोचेस हैं जो थोड़ा सा बैठ के समझना भी पड़ेगा, फॉर्मूले भी आपको चाहिए प्लस आपको थोड़ा अपना दिमाग भी यहाँ पर लगाना पड़ेगा कि हम क्या करें कि हम ये सारी चीजें कर पाए। एक छोटा सा हम प्रश्न हल करके देखते हैं कि उसमें हम कुछ सूत्र भी आपको लगाना बताएंगे कि सूत्र इसका क्या होगा, ये इज इक्वल टू 1 प्लस टेन एक्स अपॉन 1 माइनस टेन एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, अब यहाँ पर हमने साइन ए प्लस बी सीखा है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और कॉस ए प्लस बी भी सीखा है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी,
लेकिन हमें टेन ए प्लस बी नहीं आता, कोई बात नहीं, हम भाग भी देते। तो ये क्या बन गया, साइन एक्स बटे कॉस एक्स को यदि हम टेन एक्स कहते हैं तो साइन ए प्लस बी बटे कॉस ए प्लस बी को हम टेन ए प्लस बी कह देंगे। तो टेन ए प्लस बी तो आ गया, लेकिन ये तो साइन और कॉस में है, तो टेन का फॉर्मूला हम टेन में ही चाहेंगे। देखते हैं हम क्या कर सकते हैं, तो इसमें हम कॉस ए कॉस बी से भाग दे देंगे, इसको मैं नंबर वन डाल देती हूँ, तो वन को क्या हो जाएगा, टेन ए प्लस बी बराबर साइन ए कॉस बी बटे कॉस ए कॉस बी और कॉस ए साइन बी बटे कॉस ए कॉस बी, ऐसे ही कॉस ए कॉस बी बटे कॉस ए कॉस बी और साइन ए साइन बी बटे कॉस ए कॉस बी। ठीक है, क्या कट रहा है, यहाँ से कॉस गया, यहाँ से भी ये दोनों कॉस गए, ये पूरा गया और यहाँ से कुछ भी कैंसिल नहीं हुआ। साइन ए बटे कॉस ए को क्या लिख देंगे, टेन ए, साइन बी बटे कॉस बी को लिख देंगे टेन बी बटे प्लस है, यहाँ तो वह बचा है वन माइनस साइन ए बटे कॉस ए को टेन ए और उसी के बगल में लिखा है साइन बी बटे कॉस बी तो टेन। ये बन गया हमारा फॉर्मूला, टेन ए प्लस बी बराबर टेन ए प्लस टेन बी बटे वन माइनस टेन ए टेन बी। अब बच्चों यहाँ पर मैंने जो क्वेश्चन लिखा है उसमें पाई बाई फोर प्लस एक्स बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने इस चीज को लिया कि ये एक फॉर्मूला बनता है और वो समय पर ध्यान नहीं आता, तो आप इसको भी बार बार प्रैक्टिस करो कि होना क्या चाहिए, ए की जगह पर मैं रखूंगी पाई बाई फोर और बी की जगह पर रखूंगी एक्स। तो ए की जगह पे मैंने पाई बाई फोर रखा और बी की जगह पे एक्स। अब टेन पाई बाई फोर यानी क्या होता है, 180 बटे 4 कैंसिल किया तो 45, 45 यानी 1045 वो होता है 5। तो ये फॉर्मूला बिल्कुल याद रहना चाहिए हमेशा कि ये 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स जो है वो कितना होता, और यदि आप माइनस करोगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, आप जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि जब आप पाई बाई फोर माइनस एक्स का निकालोगे तो ऊपर माइनस आएगा और नीचे प्लस आएगा। तो आपका सवाल तो ये हो ही गया, टेन पाई बाई फोर प्लस एक्स अपॉन टेन पाई बाई फोर माइनस एक्स, तो आपने क्या लिखा, वन प्लस टेन बटे वन माइनस टेन, बटे में फिर से लिखा वन माइनस टेन और वन प्लस टेन, तो स्क्वायर करके हम हल करके यहाँ देख लेते हैं क्या आएगा। ये है आपका टेन पाई बाई फोर प्लस एक्स बटे टेन पाई बाई फोर माइनस एक्स बराबर, इसका फॉर्मूला लिखा वन प्लस टेन एक्स बटे वन माइनस टेन एक्स, अभी आपको बताया, नीचे क्या आएगा वन माइनस टेन एक्स अपॉन वन प्लस टेन एक्स। एक चीज और बच्चों, टेंथ पढ़ के आए हैं उसके बाद भी मैंने ये देखा कि इन चीजों में थोड़ी सी घबराहट होती है कि ये चार चार हैं, मैं किसको ऊपर ले जाऊं और किसको नीचे रखूं। तो बहुत अच्छा एक आइडिया है, नंबर वन है ना, या ऐसे लिखो एक दो तीन चार, ये हो गया कि नहीं, ऊपर एक दो नीचे तीन चार। 14/23 हमेशा याद रखना, पहला और चौथा ऊपर जाता है और दूसरा और तीसरा नीचे आता है। तो ये भी एक ट्रिक है जो बच्चे अक्सर याद रखते हैं कि पहला और चौथा ऊपर जाएगा, तो ये 1 प्लस 10x 1 प्लस 10, 1 माइनस 10x 1 माइनस, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 10x का स्क्वायर
और 1 माइनस 10x का, ठीक है। अब कई बार ऐसा होता है कि यहाँ दिख नहीं रहा है, दिख नहीं रहा तो आप उसको 1, 2, 3, 4 में बना लो। अकेला 1 प्लस, अकेला 1 प्लस 10x है तो नीचे बटा 1 कर, तो ये 1 और 2 बन गए। और नीचे हो सकता है दिया ही हो, जहां नहीं दिया उसको बटा 1 करके 1, 2, 3, 4 थोड़ी सी प्रैक्टिस आप करेंगे तो ये वाली गलतियां कभी नहीं होंगी कि हमने अंश और हर में कहां गुणा करना था और अगर जरा सी गलती हो गई हमारा सवाल कभी गलत होना नहीं चाहिए, ठीक है। काफी है कर ली। बच्चों एक दो चीजें और देखते हैं, क्वेश्चन है आपकी किताब में ही है, आप उसको देखेंगे। साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर 4x इज इक्वल टू आपका ये आ जाएगा साइन 10x इंटू साइन साइन सॉरी 2x। अब ये प्रूफ करना है तो यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी बराबर, इसलिए मैं बता रही हूँ ये आप नोट कर लेना, साइन साइन ए माइनस बी। एक बार हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 10x और एक बार हम इन दोनों को घटा देंगे तो ये हमारा बचेगा। ये सूत्र भी आप नोट कर लीजिए और इसमें भी आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, जब आप इसको पूरा खोलेंगे और इसको भी पूरा खोलें तो आपको खुद ब खुद ये सूत्र बन जाता है। आप ये सोचेंगे कि हम कॉस का क्या करें, तो कॉस को हमेशा कॉस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर से रिप्लेस करें। तो आगे हम अगली कक्षाओं में इसको और कंटिन्यू करेंगे। तिमाही परीक्षा के लिए सभी को शुभकामनाएं, बहुत अच्छे से पढ़िए और प्रैक्टिस करते रहिए, जिसमें आप जितने भी प्रश्न करें वो बहुत सही आपके हैं।